इस लिए सही काम केड़ा हुंदा है, सही काम हुंदा जदों असीं किसी की मदद करते हैं, किसी का भला करते, साड़ी वजह ना किसी की जान बच जाती है, साड़ी वजह ना रोंदे हुए चेहरे ते मुस्कुराहट आ जाती है, साड़ी वजह ना कोई भुखा रज जाता है, साड़ी वजह ना किसी के जीवन च खुशी आ जाती है, तो समझ लो ये काम सही है। बोलो समझते हो कि नहीं? नहीं तो बंदे ने अपने अपने ढंग ना कहना है। बोलो समझते हो कि नहीं? जरा मंदिर जाता होगा उन्होंने मंदिर जाना सही है, तो मस्जिद आने कहना मंदिर जाना थोड़ी सही है, मस्जिद जाना सही है, तो मस्जिद जाने वाला जरा कि होर जाता उन्होंने कहना उत्थे जाना थोड़ी, इतने जाना सही है, क्योंकि इदा देखा जाए तो हरेक ने अपनी जगह को सही कहना है। बोलो समझते हो कि नहीं? पर सही मायने च जो गल आती है दूजिया का भला करन दी, ता फिर उत्थे ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, उत्थे कोई जात कोई धर्म नहीं है, उत्थे ता पूरी इंसानियत अगे आ जाती है कि जिथे भी मैनू मौका मिले मैं किसी की मदद कर सकां, किसी का भला कर सकां, वो मेरे जीवन का सही काम है। बोलो समझदे हो कि नहीं? और राजा देख तू नेकी कीती तेरी जान बच गई, और तू सही काम कीता, सही काम मतलब इहदी मदद कीती, ता देख ला तेनू अपने घर दे दुश्मन दा भी पता लग गया, और ए तेरा दुश्मन भी तेरा मित्र हो गया क्योंकि तू सही काम कीता। जदों असीं सही काम करदे आ तो सही काम करन नाल की हुंदा है? सही काम करन नाल, अच्छा काम करन नाल दूजिआं दे दिलां च वी साडे वास्ते प्यार पैदा हो जांदा है। जिहड़ा नहीं भी सानू मनदा नहीं भी जाणदा, जदों उहदे नाल वी सही करांगे तो वह भी जानन की कोशिश करता है, वह भी साडे नाल दिलों जुड़ जाता है। अज बंदा की है दूजिया ना बुरा करता है, दूजिया ना बुरे बोल बोलता है, दूजिया ना बुरे कर्म करता है, तो सोचता है कि दुनिया से मैनू खुशियां मिले, दुनिया से मैनू प्यार मिले, तो बुरा करके कभी किसी का प्यार असी ले ही नहीं सकते, किसी नाल माड़ा करके किसी की खुशी या किसी का प्यार किसी तरफों इज्जत सानू मिल ही नहीं सकती। जो तो सही काम करांगे, सही का मतलब दूजे की मदद करांगे, तो फिर अग्यों भी वो दुश्मन भी होएगा ना, अगर दुश्मन ना भी अच्छा करांगे तो वह भी सानू प्यार करना शुरू कर देगा। बोलो समझते हो कि नहीं? ये गल हमेशा याद रखना। वो कहानी सुनी है ना राजे की, एक राजा सी, उहदे 10 कुत्ते सी बड़े खतरनाक। राजा जिहदे नाल भी क्रोधित हुंदा सी ना, जिहदे नाल भी गुस्से हुंदा सी, तां राजा उहनू वो भुखे कुत्ते आगे छड़ दिंदा सी, कुत्ते उहनू नोच नोच के खा जांदे सी। ये कहानी सत्संग दसी हुई है, पर इत्थे अहीं दुबारा क्यों दसण लगे हैं? क्योंकि इहदे विच भी आ सवाल दे जवाब नाल लिंक है, जुड़िया होया है। हुण कहिंदे इक दिन की होया कि राजा अपने वजीर तो किसी वजह नाल नाराज हो गया, तो राजे ने हुक्म किया वजीर नूं कुत्ते अगे पा दिओ। तो वजीर ने की किया कि मारे कुत्ते अगे मैनूं पाणा है, जरूर पाओ, पर मैनूं 15 दिन का समय दे दिओ। मैनूं किन्ने दिन का समय दे दिओ? 15 दिन का समय दे दिओ, फिर मैनूं बेशक कुत्ते अगे पा दिओ। राजे ने कहा ठीक है, जाना कित्थे? वजीर ने दिता तेनूं 15 दिन का समय, कर लै जो करना है। कहिंदे 15 दिन बाद, यानी 15 दिन गुजरे, 15 दिन बाद जदों वजीर आया कहिंदा मारे पा दिओ कुत्तिआं दे अगे। जदों राजे ने पिंजरे विच कुत्ते सी, क्योंकि राजा खड़ जांदा सी और सामने बंदे नूं पाया जांदे सी, कुत्ते नोच नोच के खांदे सी, तां राजा देखदा सी, पर जदों वजीर नूं पाया गया पिंजरे दे विच, ओह खूंखार कुत्ते, जदों पिंजरे दा दरवाजा खुल्लिया वजीर नूं अंदर धक्का दित्ता सैनिकां ने, तां राजा देख के हैरान रह गया, कुत्ते आए और वजीर दे पैर चट्टण लग गए। राजा तां हैरान रह गया, क्योंकि राजे दी उम्मीद सी कि जांदे नूं वजीर नूं चीर देणगे, फाड़ देणगे, मार देणगे, पर इह तां वजीर नाल इदां हो गए जिदां उहदे पालतू हुंदे आ। कमाल दी गल है, राजा बड़ा हैरान होया। राजे ने कढो वजीर नूं बाहर, ओह जिन्हां कुत्तिआं ने अज तक किसे नूं छड्डिया नहीं, अज तक किसे नूं जिंदा नहीं छड्डिया, इह वजीर दे पैर किदां चट रहे है? आखिर वजीर ने ऐसा की कीता? तां उस वेले बुलाया राजे ने वजीर नूं, कहिंदा वजीर दस। वजीर कहिंदा जी हुण तां तुसीं मैनूं मौत दी सजा देती, हुण की दसणा? और राजा कहता दस फिर, मैं जानना चाहता इन्ने खूंखार कुत्ते तेरे पैर क्यों चट रहे थे? कहते जी दसूंगा, यह राज की गल है, पर वजह मेरी जान बख्शनी पैनी है। राजा कहता जा बख्शी, पर यह राज जानना है मैं, ये कुत्ते तेरे पैर क्यों चट रहे थे? जा तेरी जान बख्शी, पर राज दस कि इन्ने खूंखार कुत्ते तेरे प्यार कि कर लगे। तो उसके वजीर कहता महाराज आज जो 15 दिन का टाइम मंगया से ना तुहाडे तो, यह 15 दिन मैं ना कुत्तिआं नाल ही गुजारे, इन्हां नूं अपनी हत्थी रोटी दित्ती, प्यार नाल इन्हां दे जदों इदां पिंजरे विच बोटी पांदा सी, प्यार नाल इन्हां दे मत्थे दे सिर ते हथ फेरदा सी, और महाराज ये देखो ये कुत्ते इन्ने खूंखार हो के भी, इन्ने जंगली हो के भी, एक जानवर हो के भी 15 दिन दे मेरे प्यार नूं समझ के बदल गए और मेरे नाल प्यार करना शुरू कर दिता। महाराज मैं तां हैरान हां तुहाडे ते,
पिछले 15 साल तो मैं तुहाडी सेवा कर रहा हां, तो तुसी 15 सालां च मेरा प्यार समझिया ही नहीं। हुण तां राजे दे पैरां थल्ले जमीन निकल गई। तां राजे ने भी हस के गल नाल ला लिया, कहिंदे वजीर अज तू मैनूं बहुत बड़ा ज्ञान दे दित्ता कि माड़ी माड़ी गल ते गुस्सा हो के ये जिहड़े रिश्ते है खत्म नहीं करी दे, क्योंकि कई बार गल छोटी जी हुंदी पर क्रोध में आके बंदा जा तेरी शक्ल नहीं दिखनी, जा तेनूं मुड़ के देख निकल जा करो बाहर। वह बंदा पुछे कि भाई किन्ने सालों तो कट्ठे रह रहे सी, 15 साल तो, 20 साल तो, 10 साल तो, कि 10 साल नफरत च ही गुजरे है कि कभी प्यार नाल मिले नहीं, बैठे नहीं, एक दूजे नाल गल कीती नहीं। हुण जे प्यार नाल इन्ने साल गुजर गए तां जे माड़ी जिही क्रोध की गल तो क्यों एक दूजे नूं धक्का दे रहे हैं। छोटी छोटियां गल्लां जिहड़ियां साडे जीवन नूं बर्बाद कर दिंदियां है। पर वजीर देखो समझदार, वह वजीर ने 15 दिन अपने ऐशो आराम च नहीं गुजारे, उन्हें पता सी कुत्ते अगे पाना है, तो कुत्तियां दिल जित लवां। सो दसना की चाहते हाँ कि अगर तुसी जानवर नाल भी नेकी करते हो तो जानवर भी नेकी का बदला जरूर दिंदा है, तो जो इंसानों नाल करोगे तो इंसान क्यों नहीं देगा, या रब की खातर करोगे तो रब क्यों नहीं देगा। समझ आ रही कि नहीं? या अपने मालिक की खातर नेकी करांगे तो साडा मालिक उहदा बदला क्यों नहीं देगा, साडा मालिक कृपा क्यों नहीं करेगा, साडा मालिक साडे ते रहमत क्यों नहीं करेगा। इसलिए अपने मालिक ते विश्वास रखो, यकीन करना शुरू करो, क्योंकि जिहड़ा अपने मालिक ते विश्वास रखता है, इत्थे इक शेर कहांगे बड़ा प्यारा लगता है सानू कि सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती। जरा ध्यान दे के सुनना है, बड़ा समझण वाला है कि सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती, चिड़िया का घर भी टूट जाए तो वो उदास नहीं होती। समझ नजर आ सारे ने, सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती, चिड़िया का घर भी टूट जाए तो वो उदास नहीं होती, भरोसा रखना खुद पर और खुदा पर, फिर वो भी मिल जाता है जिसकी कोई आस नहीं होती। याद रखना सारिया ने कि अगर असी अपने आप से तो अपने मालिक से भरोसा रखिए ना, तो वह भी चीजा सानू मिल जाती है जिदी बंदा कभी आस नहीं करता। बंदा कहता मैं तो सोचा नहीं सी भी मिल जाऊ, मैं तो सोचा नहीं सी आ भी कम हो जाऊ, वह भाई हो गया। वाकई मेरा रब मेरी औकात तो ज्यादा दिता है, मेरी सोच तो ही कहते ना जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, जे तो कर्म है उनका वरना मुझ में तो कोई, मैं तो इन्ना का मंगिया सी पर मेरे मालिक ने इन्ना दे दिता। इसलिए गल याद रखना है कि सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती। जे तुहाडा कोई सपना ना, ये ना सोचो आ कदम बधाया तो इतनी मिल जानी है, लै भी मेरा सपना बड़ा अफसर बन का, आ मैं गया घरों बार तो बह गया कुर्सी से बन गया अफसर, नहीं। या मेरा सपना बड़ा घर बनाने का, या मेरा सपना वह मंजिल नू पाने का, आ मैं निकलिया बाहर तो मिल गई मंजिल, नहीं। सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती। सपनिया की जड़ी मंजिल होंगी ना, जे कुछ अचीव करना है, कितने पहुंचना है, तो यह ना सोचो कि भूआ या मासी के घर जाने वाली गल है कि जो गड्डी चक्की मोटरसाइकिल चक्या पहुंच गए भूआ आ गए आ चाह रख दे, नहीं। सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती। जे साडे सपने बड़े है तो याद रखो जिन्ने बड़े सपने है उन्ना बड़ा विश्वास चाहिए है और उन्ना बड़ा साहस चाहिए है और उन्नी बड़ी मेहनत करनी पैंदी है, फिर ही इंसान अपने सपनों की मंजिल तक पहुंचता है। तो जेडे मेहनत करने तैयार नहीं है फिर उन्होंने कभी मंजिल मिलती भी नहीं है, क्योंकि देखो कहने वाले बहुत होंगे आ करना आ करना आ करना पर पहुंचता कोई बिरला है। वो तो चार दिन कोशिश करके नहीं यार होंगे नहीं है, चलो समझते हो कि नहीं। इसलिए समझना जरा सारे ने कि सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती। जो साडा कोई सपना है और वह सपने की मंजिल को पाना है तो फिर अंदर एक अपने मालिक से विश्वास, दूजा अपने अंदर साहस और तीजी मेहनत, यह तिने चीजा करने तैयार रहना चाहिए सानू, क्योंकि जिन्नी बड़ी मंजिल उन्नी ज्यादा मेहनत, उन्ना ही बड़ा विश्वास कि मैं यकीन है अपने मालिक से मैं कर सकता। इसलिए सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती, चिड़िया का घर टूट भी जाए तो वो उदास नहीं होती। एक गल याद रखना, कभी देख लेना एक्सपैरीमेंट करके, वैसे तो किसी चिड़िया के घर को ढाना नहीं चाहिए पर फिर भी एक्सपैरीमेंट की खातर, जे तुम एक चिड़िया का घर है ना आलना है कितने तुहाडे घर के अंदर या किसी पेड़ से उन्होंने चक के रख दो, चिड़िया आएगी देखेगी आलना नहीं है तो उत्थे बैठ के रोएगी नहीं, हाय रब्बा की कीता, हाय रब्बा कि मेरा घर ही तोड़ दिता, कख ना रवे उहदा टट जावे उहदा मर जावे उहदा रवे कख ना, मैं ते केस कर देना ये कर देना। इदां चिड़िया उदास नहीं होंदी रोंदी नहीं है, बल्कि चिड़िया देखेगी मेरा घर नहीं है उड़ेगी और दोबारा तिनका तिनका जोड़ के घर दोबारा बनाना शुरू कर देगी।
क्योंकि इन्हू पता है कि जिहड़ा काम हो गया सो हो गया, उहदा रोणा की रोणा है। अगे रात आन वाली है, अगे समय आन वाला है, अगर रोने रोंदी रही तो तैयारी कदों करूंगी। इसलिए रोना नहीं रोंदी, वो दोबारा जाके कख कट्ठे करके तैयारी करनी शुरू कर दिंदी है। हुण तुसीं भी देखो जरा, अज बंदा अपना ज्यादा टाइम पता कितना खराब कर लैंदा है। हाए मेरे नाल बुरा हो गया, हाए मेरे नाल बहुत बुरा हो गया, कदे मेरे नाल बुरा ही ना हो जाए, कदे मेरे नाल इदां ना हो जाए, उहदा कख ना रहे, बादुआवां देण च, किसे नूं बुरा बोलण च, बुरा सोचण च बंदा अपना टाइम खराब कर दिंदा। जिहड़ा समझदार है ना, ध्यान नहीं दिंदा कि हो गया, वह कहिंदा जो हो गया हुण मैं मेहनत करके दोबारा इस तों अच्छा करन दी कोशिश करां। समझदे हो कि नहीं? मेरे नाल इदां क्यों हो गया, यह सोचण दा टाइम नहीं है। हो गया जो हो गया उहनूं बदलिया नहीं जा सकता, हुण मैं यह जरूर कर सकदा कर्म करके जो हो गया उस तो अच्छा कर सकदा। समझदे हो कि नहीं? जे कोई सट चोट है तो शबर सबर शुकर दे नाल उम्मीद कर सकता कि मेरा मालिक जल्दी मैनू तंदुरुस्ती देगा। पर जो हो गया हुण उहदे रोना की रोई जाना, आ हो गया इदां हो गया, क्यों हो गया उहनूं याद कर करके रोई जाइए तो फिर असीं कदी खुशी की तरफ। इसलिए चिड़ी तो शिक्षा लो कि चिड़ी आलना टुट भी जाए उदास नहीं होके बह जाती, रोना नहीं शुरू कर दिंदी, पर बंदा की है माड़ा नुकसान हो गया रोनो नहीं हटदा। ता ही तो बंदे दे दुखां दा कारण है कि जीवन च बदलाव हमेशा आंदा है। इहदे वास्ते पहले ही तैयार रहो कि बीमारी किसे वेले आ सकती है, हादसा कदी भी हो सकता, तकलीफ कदों भी आ सकती है, पर मैं तैयार हाँ क्योंकि मैनू सहारा देने वाला मेरा मालिक मेरे नाल। मैं टुटना नहीं है, बल्कि जे मैं गिरदा भी हाँ तो दोबारा नवे जोश नाल उठ के चलना है, क्योंकि जे अज इन्ना क गया तो मेरा रब इस तो ज्यादा मैनू देगा। फिक्र कादी है, टेंशन कादी है? इसलिए सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती, चिड़िया का घर भी टूट जाए तो वो उदास नहीं होती। खुद पर और खुदा पर भरोसा रखना, फिर वो भी मिल जाता है जिसकी कोई आस नहीं होती। जदों अपने आप ते और अपने मालिक ते असीं भरोसा रखते हैं तो फिर वो चीजा भी सानू मिलनिया शुरू हो जाए जिन्हां बारे कभी बंदे ने सोचा भी नहीं होंदा। बंदा कहिंदा सोचा भी नहीं सी पर मेरा मालिक इन्ना दे रहा है, समझ नहीं आती किदां संभाला। इसलिए समझना जरा सारिया, इसलिए हम टाइम काफी हो गया, सत्संग आखरले बचने की तरफ लैके जावे कि राजे ने क्या मारे दूजा काम, तो कहते दूसरा तू देखिया नहीं, जदों असी किसी का भला करते हैं तो उही काम सब तो अच्छा काम होंदा है। हुण तू अच्छा काम किया इहदे नाल ते इहदे अंदरों दुश्मनी मुक गई, यह तेरा सेवक बन गया, तेरा वफादार बन गया, क्योंकि तू इहदी जान बचाई, हुण सारी जिंदगी यह तेरा वफादार बन के रहेगा। और तैनू अपने दुश्मन का भी पता लग गया कि तेरा भरा तेरा दुश्मन, नहीं तो पता नहीं वो अगे की होर कुछ कर सकता। कहिंदा महाराज दो सवालों के जवाब तो हो गए कि सही समय जो बंदा नेकी करता है और सही काम जो असी भलाई का काम करते हैं, कोई नेकी का कोई किसी हेल्प करते मदद करते हैं। पर कहिंदे हुण इह भी दस दो कि महाराज सब तो समझदार इंसान कौन सा है, क्योंकि तिन्ने का सवाल सी, सही समय कौन सा है, सही काम कौन सा है और समझदार इंसान कौन सा है। हुण महाराज इह भी दस दो कि समझदार इंसान कौन सा है। फकीर ने कहा बादशाह वो भी नहीं समझिया कि समझदार इंसान हमेशा वो हुंदा है जिहड़ा सही समय ते सही काम करे और सही नेकी करे, वही इंसान समझदार है। और बादशाह इस नजरिए तू समझदार है क्योंकि तू सही समय ते सही नेकी कीता, काम कीता और दूजे की मदद की, क्योंकि नेकी का काम करने वाला दूजे की मदद करने वाला ही सब तो ज्यादा समझदार है। क्यों? क्योंकि वो चीज कमा रहा है जिहड़ी इत्थे भी उहदे काम आएगी तो उत्थे भी काम आएगी। इहनूं तां समझदारी कहिंदे। एक बंदा सारी जिंदगी वो चीज कमांदा रहिंदा जिहनूं मरन तों बाद इत्थे छड्ड देना है। हुण तुसीं सोचो कि मैं जो कमाया है जे हुण मेरी मौत आ जावे तां की कुछ ऐसा भी है जिहड़ा अगे मेरे काम आएगा। जे ऐसा मैं जोड़िया ही नहीं तां इहदा मतलब मैं मूर्ख हाँ। जे मैं कुछ ऐसा भी जोड़िया जो इत्थे उत्थे दोनों जहानां च मेरे काम आवे तां फिर कह सकदे असीं समझदार। इसलिए समझदार इंसान कौन सा है? इसलिए कहा जाता सिमरन दे वक्त सिमरन करिए, दान पुन दे वक्त दान पुन करिए, कोई अच्छाई दे वक्त अच्छाई करिए, जिथे भी सानू मौका मिलता है ना नेकी करन दा नेकी जरूर करिए, क्योंकि नेक कर्म करन वाला नेकी करन वाला अच्छाई करन वाला ही सब तो समझदार इंसान है। हुण तुसी कौन हो? अज इत्थे बैठे हो देख के तो लगता वाकई तुसी सारे समझदार हो, बहुत समझदार हो तुसी, शाबाश, क्योंकि सही समय सही काम कर रहे हो तुसी, तेरा समझना सारिया ने। पर हुण इदां दी समझदारी ये नहीं एको ही दिन दिखानी है कि अज मालक पिंड च आ गए तो अज ही दिखानी है, फिर तो टाइम ही है नहीं साडे। नहीं, जदों टाइम मिले मौका मिले टाइम कढ़ के जाइए सत्संग च पहुंचिए, जदों भी जिथे भी मौका मिले तो सत्संग जरूर सानू पहुंचना चाहिए, जाना चाहिए। जिदा हुण दस्या ना तुहानू प्रोग्राम च 13
फरवरी दिन ऐतवार का 11वीं रोज है दरबार से, फरवरी महीने का 11वीं रोज जिदा अज सत्संग पहुंचो, कोशिश करनी कि 13 तरीक दिन ऐतवार को दरबार से 11वीं रोज भी जरूर असी हाजरी लगाइए, जरूर सत्संग के टाइम पहुंचिए, क्योंकि सत्संग का समा 12 बजे, 12 बजे तो पहला पहला सर्व संजा दरबार कंटिया हुशियारपुर विखे जरूर पहुंचिए। हूँ देखना तुम समझदार हो कि नहीं, हो कि नहीं, छुट्टी का दिन ऐतवार का दिन सो पहुंचो और आनंद लो जिंदगी का। और हूँ आज ये सत्संग आखिरले वचन की तरफ लैके चलीए कि जिस तरह दसिया कि अपने जीवन च बस इस चीज को यही पकड़ के रखना है कि जो भी सानू इदा के मौके मिलते तो मौके कभी असी गुआने नहीं है, क्योंकि जिदा ही दसिया है कि जीवन च किस रास्ते कि मुसीबत कि परेशानी खड़ी है बंदे नहीं पता। हूँ बंदे ये तो नहीं पता कि मुश्किल कि परेशानी मेरा रास्ते च इंतजार कर रही है, पर बंदा यह जरूर कर सकता कि मैं कुछ ऐसा करके चला कि वह परेशानी मेरे बेअसर हो जाए। बोलो समझ योग नहीं। हूँ फर्ज करो बंदे नूं पता है कि कलू की होना है परसों की होना है, नहीं पता, पर तुसी अज नेकी करके अज अच्छाई करके अज कुछ अच्छा करके अपने आप नाल ओ रहमत या ओ कवच लैके जा सकते हो कि कलू जो कोई बुरा होना भी होवे तो ओ तुहाडा कुछ बिगाड़ ना सके, क्योंकि आने वाला फ्यूचर कल तुहाडे हाथ च नहीं है पर तुहाडी करनी अज तुहाडे हाथ च है। अज अगर तुहाडी करनी अच्छी है तो तुहाडी अज दी अच्छी करनी कल नूं तुहानूं जरूर सेव करेगी, बचाएगी तुहानूं। जिदा बंदा कहिंदा ना कि बुढ़ापे च काम आना अज सेविंग कर लो, कहते ना कई बंदे कि भाई अज सेविंग करो बुढ़ापे, तो इसी तरह कहो कि अज नेकियां कर लो, क्योंकि ये तो पता नहीं बुढ़े होना कि नहीं होना, क्योंकि गरंटी है कोई कि सारे ने बुढ़े होना, हो सकता कल ही परसों ही, पता जिंदगी का कोई अंत किहड़े वेले हो जाना है, इसलिए कुछ वह नेकी कर लो जिन्हों पता है कि जींदे जी भी मेरी सेविंग है, तो जे मैं मर भी गया तो भी मेरी सेविंग है, क्योंकि मैंने उत्थे भी सेव करना है, उत्थे भी बचाना है मैंने, इसलिए नेकियां दी कमाई जरूर करो, अच्छाई दी कमाई जरूर करो, अपनी सोच नू उच्चा रखो। और जिस तरह दसिया है कि कदी निराश नहीं होना, कदी उदास नहीं होना, अपने अंदर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि जे अज दिन बुरे है तो कल को अच्छे भी आएंगे, अच्छे दिन जरूर आएंगे, खुशियां दे दिन जरूर आएंगे, कामयाबी दे दिन जरूर आएंगे, क्योंकि मैनू अपने मालिक दे पूरा। हुण स्माइल करके दिखाओ, कोई टेंशन है मेरे ना क्यों होया काते हो छड़ो अमी दियो कि नहीं, क्योंकि तुहानू की पता केड़े कष्ट हुंदे केड़ियां परेशानियां हुंदियां जिन्हां तों साडा मालिक सानू बचा लैंदा है। यकीन रखना है जो गया सो गया, हुण मैं इंतजार करना कि आने वाला कल मेरे वास्ते बड़ा अच्छा है। ये याद रखो, एक नुक्ते की गल दसांगे, जिहड़ा इंसान अज भी सोचदा ना हाए मेरा नुकसान हो गया, मेरा नुकसान हो गया, क्यों होया काते होया, वह अज अपनी वेव्स अपनी वाइब्रेशन जिहड़ी है ना नैगेटिव बना रहा है, और चांस है कल भी नुकसान होने दे। तो जिहड़ा अज सोचे आ हो गया चला गया वक्त, हुण मैनूं पता आने वाला कल मेरे वास्ते बड़ा खुशियां भरिया है, तंदुरुस्ती भरिया है, बड़ा अच्छा है, बड़िया रहमतां बड़िया बरकतां लैके आ रहा है, उहदी सोच पॉजिटिव हो गई, और पॉजिटिव सोच वाला इंसान हमेशा जिंदगी च रब दीआं रहमतां पाउंदा और कामयाब सफल हुंदा है। इसलिए यह ना सोचो कल की होया, यह सोचो आने वाले कल च की हो सकता है, और जे मेरा मालिक मेरे नाल है तो सब कुछ अच्छा। यकीन है कि नहीं, फिर हौली हौली क्यों बोलते हो, मैं यकीन है जे मेरा मालिक मेरे नाल है आने वाला कल अच्छा होएगा, आने वाला कल अच्छा होएगा, अच्छा विश्वास ना किया ना जाओ फिर अच्छा ही होएगा। अरे दिलों विश्वास नाल कहना है नहीं कि जवानो अच्छा होएगा तो अंदर की अच्छा होना, अच्छा होना हूँ जेड़ा कहना ना की अच्छा होना वो अंदर ही पता लगता, ता ही तो तेरे अच्छा हो नहीं रहा, क्योंकि तू इतों नहीं मानता। गल तो सारी दिल की है, जवान की गल नहीं है, गल तो दिल की है, दिलों कहोगे अच्छा होएगा तो फिर रब ने पूरी करना, क्योंकि खुदा कबूल करता है हर वो दुआ जो दिल से होती है। और दुआ का मतलब यही नहीं कि हाथ हट के इदा करांगे, दुआ का मतलब भी जो दिलों गल कह देनी है। मैं यकीन करता हाँ हूँ उत्थे हाथ जुड़े हो चाहे ना जुड़े हो चाहे इदा भी बैठे होइए ना, मैं यकीन है मेरा मालिक मेरे नाल है सब अच्छा ही होएगा। यह दिल की आवाज ये रब जरूर पूरी करेगा, जरूर कबूल करेगा। और तुसी कित्थों कहना है दिलों कि मैं यकीन है अपने मालिक से, हूँ मैं पिछली चिंता नहीं करनी क्यों कि काते होया, हूँ मैं ये यकीन रखना है कि जो होना सी हो गया, हूँ वक्त आ गया, जिन्ना नुकसान होना सी हो गया, हूँ वक्त आ गया मेरा फायदा होएगा, मैनू लाभ होएगा, आने समा मेरे वास्ते सफलता कामयाबी खुशियां भरिया होएगा, क्योंकि मैनू अपने मालिक दे पूरा पूरा है ना। बाकी फिर अच्छा ही होना, देख लो लिख के लै जाओ दिल च।
और हुण टाइम काफ़ी हो गया है। हुण सत्संग दे आखरले वचना च यही कहांगे कि जिन्हां दिलों च प्यार है, जिन्हां दिलों च विश्वास है, फिर वाकई हर कदम ते मालिक उन्हां दे नाल है, क्योंकि जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या, तो डरने की क्या, तो डरने की क्या। बस आ गल होनी चाहिए ना, आ बात होंगी मालिक दे आशकां दी, प्यारियां दी। उन्होंने अंदर कोई डर नहीं होंगे, कोई चिंता नहीं होंगी, उनकी एनर्जी ना उड़े फिरते हो, कहते लै वो मालिक का नाल होना ही साढ़े वास्ते तो एनर्जी का साड़ी शक्ति का एक कारण है कि मेरा मालिक मेरे नाल है। इसलिए याद रखना कि हर वक्त अपने मालिक पर विश्वास रखो, कभी निराश नहीं होना, असंभव भी संभव हो जाएगा, फिर खुद पर और खुदा पर भरोसा रखो, फिर वो भी मिल जाता है जिसकी कोई आस नहीं होती, वो भी मिल जाता जिदी बंदे नूं आस नहीं होती। फिर निराश नहीं होना, छड्डो टेंशन पिछे की होया, हुण इंतजार करो आने वाला कल मेरे वास्ते खुशियां भरिया है, क्योंकि मैं मालिक का हो गया, मालिक मेरे हो गए, तो जिहदा मालिक हो गया, जिहड़ा मालिक का हो गया वह माड़ा कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए यकीन रखो, विश्वास रखो अपने अंदर। हुण आखरले वचना च आओ कह दईए कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरिया चोलियां खुशियां नाल, मेरिया चोलियां खुशियां नाल, मेरिया चोलियां खुशियां नाल, मेरिया चोलियां रहमतां नाल, मेरिया चोलियां रहमतां नाल, मेरिया चोलियां रहमतां नाल, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। जाओ हो गए, सच्ची हो गए, महसूस करो हो गए। सुहाण वाला समा मालिक तुहाडे वास्ते खुशियां रहमतां बरकतां भरिया लियाण, और हर तकलीफ हर दुख हर परेशानी नूं दूर करन, और तुहाडे दिलां च हमेशा मालिक दा प्यार मालिक दे प्रति विश्वास बनिया रहे, तां कि तुसीं इह जीवन दा सदा आनंद लैंदे रहो, और मालिक तुहानूं ताकत देण कि तुसीं नेकियां करदे होए, सेवा सिमरन करदे होए, दान पुन करदे होए, नेक मार्ग ते चलदे होए अपनी जिंदगी नूं गुजार के अपने जीवन नूं सफल बना सको। और एक अजीब इशारा कर रहे कि 19 फरवरी दिन शनिवार करतारपुर के बिल्कुल नाल फतेह जलाल, करतारपुर के ना बिल्कुल नाल फतेह जलाल पिंड पैंदा एक, उत्थे 19 फरवरी दिन शनिवार नूं सत्संग होण जा रहा है। जिस तरह अज इत्थे सर्वसंघा सत्संग है, इसी तरह एक नौजवान सभा है उत्थे भी, इसलिए और नौजवान सभा के मैंबर रल के फतेह जलाल जो करतारपुर के बिल्कुल नाल ही है उत्थे सर्वसंघा सत्संग करवाण जा रहे हैं। तो उन्होंने बेनती सी मालको संगत नूं जरूर दस देना ताकि तुहाडे बिल्कुल नेड़े ही है, नेड़ी है कि नहीं, तो पहुँच जाना बस, तुम पहुँचोगे कि नहीं, और पर उस तो पहला 13 तरीक न दरबार से ही पहुँचना है। अच्छा कि पहुंचेगा 13 तरीक न, बस यदा मतलब बाकी इंट्रस्ट है नहीं है, फिर कहना रब्बा रहमत नहीं करना, रब्बा कृपा नहीं करता, और रब ने भी कहना जो मेरी खातर टाइम नहीं कटता तो कृपा भी की करा मैं, जो मेरी खातर समा कट के आनू, हाँ ब्याह शादी हो फिर पता रसगुल्ले मिलने, गुलाब जामना मिलनी, फिर तो कार्ड मिले ना मिले चोरी बढ़ जाने जाके, खाण पीन बंदा दौड़ के जाता है पर रहमत लैन तो वाकई उन्होंने पहुँचना जेड़े वाकई मालिक ना प्यार करते। इसलिए अपने मन च प्यार रखो, दुनिया के पदार्थों नालों बड़िया उदियाँ रहमत होंदिया है, क्योंकि वो रहमतों के नाल ही तो जीवन च खुशियां आनिया है, जीवन च आनंद आना है। इसलिए जदों मौका मिले तो मालिक दियाँ रहमतों का आनंद लैन वास्ते समा कढ़ के जरूर पहुँचया करो। सो मालिक हमेशा अपनी रहमत कृपा दया मेहर तुहाडे ते बनाए रखण। जरा हस के दिखाओ, अजे किन्नी कुछ हस सकते हो, एक बार फिर बस आ जिहड़ी तुहाडी खुशी है ना, इसलिए दिल तुहाडे बाग बाग गार्डन गार्डन होए है। ये सिर्फ हसाउण वास्ते किया तुहानूं, अभी इस वेले दिल तुहाडे खुशी नाल भरपूर है, आनंद नाल भरपूर है। मालिक इन्नी कृपा करन कि तुहाडे जीवन च ये खुशी, ये हसी, ये मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, सदा हसदे मुस्कुराते तंदुरुस्त रहो, खुश रहो, नेकियां करते रहो, नेकी दे मार्ग से चलते रहो, और मालिक दी रहमत प्राप्त करके अपना जीवन सफल बनाते रहो। यही साड़ी उस मालिक के चरण च अरदास बेनती है, और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं असीं प्रणाम करते हैं। साडा प्रणाम स्वीकार करो, जय मालकां दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए सर्वसंजय दरबार कांटिया शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।